तो भाई लोग लंका प्रीमियर लीग 2023 का जो मैच नंबर 7 है ना, इस मैच में दाम्बुला औरा के सामने होगा जाफना किंग्स। अगर हम बात करें अभी 2 दिन या 3 दिन पहले इनके बीच में एक मैच खेला गया था, उस मैच को दाम्बुला औरा ने जाफना किंग्स को रौंद दिया था, बोला था भैया बहुत हो गया तुम्हारा, मैंने बोला था ना करेंगे पलटवार, लेंगे पिछली हार का बदला। तो सच में दाम्बुला औरा ने पिछली हार का बदला ले लिया, जाफना किंग के सामने पहली बार जीत हासिल करी। आप सोच रहे होंगे अच्छा इससे पहले दाम्बुला औरा कभी नहीं जीता था, जी हाँ बिल्कुल भी कभी भी दाम्बुला औरा जाफना को हरा नहीं पाया था। इससे पहले इनके बीच में 7 मैच खेले थे, 7ों मैच जाफना किंग्स ने अपने नाम पे किया था, ये 8वां मैच था। तो मतलब ओवरऑल 8 मैचों में दाम्बुला औरा जाफना के सामने बस एक मैच जीता जो कि पिछला मैच था, बाकी सारे मैच दाम्बुला औरा जाफना किंग्स से हार गया था। तो भाई लोग क्या फिर से दाम्बुला औरा करेगा, पलटवार लेगा फिर से पिछली हारों का बदला, या फिर जाफना किंग्स से बोलेगा भाई साहब हो गया गलती से अकाता मैच जीत गए, हम फिर से करने वाले हैं मैदान फतेह। आज की वीडियो हम यही जानेंगे, तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप भी ना जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी रहा हूं, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। और भाई लोग साथ में मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लंका प्रीमियर लीग के अलावा द 100 मेन एंड वुमेन्स कंपटीशन भी चल रही है, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, बस एक चीज का ध्यान दें, फेक से बचे, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिया गया, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग ये जो मैच है ना फ्राइडे 4 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं, और यह मुकाबला खेला जाएगा पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पल्ले केले में। पिच रिपोर्ट के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैच नंबर 6 है ना वो भी इसी मैदान पे खेला जाएगा। तो मैंने उस मैच की वीडियो में पिच रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बता रखा, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उनको सब कुछ पता होगा, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर देख ले, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। बस अभी ये जानते हैं इस मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो दाम्बुला औरा ने यहां के मैदान पे 3 मैच खेला, 3ों मैच हार गए, यानी जो दाम्बुला औरा है ना इसको पल्ले केले का मैदान बिल्कुल भी ना पसंद, तभी तो 3 मैच खेले 3ों मैच हार गए। जाफना किंग्स की बात करें तो पल्ले केले के मैदान पे 4 मैच खेला जिसमें से 2 मैच जीता 2 मैच हारा, यानी जाफना जो है यहां के मैदान पे 1 मैच जीतता है 1 मैच हार जाता है। दाम्बुला वर्सेस जाफना के बीच में यहाँ के मैदान पे 1 मैच खेला गया, उसे जाफना ने अपने नाम पे किया, मतलब इस मैदान पे जाफना पहले भी दाम्बुला औरा को रौंद चुका है। तो आज के मैच में क्या होगा चलो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दाम्बुला औरा की, अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें, जो इनके कप्तान है कुशल मेंडिस वो बोलेंगे भैया चेंज क्यों करना, क्योंकि इसी टीम ने पिछला मैच जबरदस्त तरीके से जीता है, तो कोई भी चेंज ना करेंगे। अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो जो इनकी बल्लेबाजी लाइनअप है ना भाई साहब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि कुशल मेंडिस और अविष्का फर्नांडो ये दोनों ओपन करने आ रहे हैं, और दोनों गजब की फॉर्म में, दोनों ने एक मैच में कुशल मेंडिस ने रन बनाए थे, एक मैच में अविष्का फर्नांडो ने रन ठोके, उसके बाद कुशल फरेरा ये भी काफी गजब की फॉर्म में, पिछले मैच में जबरदस्त पारी खेली थी। सदीरा समर विक्रमा की बात करें तो अभी तक इनके बल्ले से रन नहीं निकला, लेकिन आप सबको पता है ना एक कमाल के बल्लेबाज है, श्रीलंका के लिए अभी बहुत रन बनाकर आए हैं, तो जल्दी ये फॉर्म में लौट जाएंगे। वहीं बात करें धनंजय डिसिल्वा की तो ये लगातार सभी मैचों में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब गेंदबाजी करते हुए विकेट भी चटका रहे एक आता दो, और जब हाथ में बल्ला होता है तो अपनी टीम के लिए रन भी बना रहे हैं। और एक जो गाले के सामने मैच था उसमें एलेक्स रोस आए थे फिनिश करने के लिए, जहां पे बिल्कुल हार रहा था मैच दाम्बुला औरा, वहां पे एलेक्स रोस की जबरदस्त पारी के बदौलत वो जो मैच होता है ना टाई हो जाता है, हालांकि सुपर ओवर में हार जाते हैं, लेकिन एलेक्स रोस भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों हेडन करने भी एक मैच में रन बना के दिया था 10 बॉल पे 20 रन। तो इनकी जो बल्लेबाजी लाइनअप है वो 7-8 नंबर तक का है, और सबसे बड़ी बात है कि 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी जो है इनके सारे बल्लेबाज फॉर्म में है रन बनाने, किसको सदीरा समर विक्रमा को छोड़कर जो कि कमाल के बल्लेबाज है, वो भी जल्दी से फॉर्म में आ जाएंगे। बाकी अगर हम इनकी गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी भी काफी ज्यादा जबरदस्त ही चल रही। शहनवाज धानी की बात करें तो सभी मैचों में इन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करी, 1 मैच में 2 विकेट निकाला 1 मैच में 1 विकेट निकाला, हालांकि एकाता मैच में इनको थोड़ा सा रन पड़ गया, लेकिन विकेट सभी मैच में निकाल रहे हैं। विनूरा फर्नांडो भी लगातार सभी मैचों में बढ़िया गेंदबाजी करे, ये तो दोनों मैच में विकेट भी निकाले, विकेट निकालने के साथ साथ ना ये थोड़ा सा किफायती रहे। नूर अहमद की बात करें तो पहले मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन पिछले मैच में नूर अहमद ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। हालांकि जो इनका चौथा गेंदबाज है रविंडू फर्नांडो वो अभी तक थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे, इनको विकेट भी ना मिला किसको रविंडू फर्नांडो को, लेकिन जो हेडन कर है 5वें गेंदबाज ये मतलब मिडिल में
डेथ में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से डेथ में गेंदबाजी करनी चाहिए किफायती गेंदबाजी भी कर रहे हैं, विकेट भी चटका रहे हैं। तो रामिंडू फर्नांडो को छोड़कर बाकी के जो चार गेंदबाज हैं बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसके बाद धनंजय डिसिल्वा आते हैं, ये मिडिल में बढ़िया गेंदबाजी करके चले जाते हैं। तो मतलब जो इनका एकाध गेंदबाज थोड़ा सा महंगा साबित होता है तो धनंजय डिसिल्वा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हूं ना, ये आके बढ़िया गेंदबाजी कर जाते। तो अगर हम यहाँ पे दामबुला ओरा की बात करें तो इनकी बल्लेबाजी की बात कर लो या गेंदबाजी की बात कर लो, काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। हालांकि जो गेंदबाजी उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन फॉर्म में बढ़िया गेंदबाजी करके जा रहे हैं। दोस्तों जाफना किंग्स की बात करें, आप सबको पता है ना, तीन बार की चैंपियन है, लेकिन इस बारी ना पहला मैच तो जीते शान से, लेकिन दूसरे मैच में जिस तरह से हारे इनको संभालना होगा। क्योंकि अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो रहमान उल्ला गुरबाज दोनों मैचों में फ्लॉप हो गए, एक भी मैच में ना चले। चरित असलांका ने एक मैच में रन बनाए, एक मैच में फ्लॉप हो गए। कौन? चरित असलांका, हालांकि कमाल के बल्लेबाज है। तोहिद हरिदो की बात करें जो बांग्लादेश से आते थे, इस लौंडे ने दोनों मैचों में जबरदस्त बल्लेबाजी करी, मतलब रन भी बनाए और तेजी के साथ रन बनाए और लंबी लंबी पारियां खेली। तो ऊपर के तीन बल्लेबाजों में अगर हम यहाँ पे रहमान उल्ला गुरबाज की बात करें तो आप सबको पता है T20 के बेस्ट बल्लेबाज है, लेकिन पिछले एक दो मैचों से चले ना है चमिका करुणरत्ने, तोहिद हरिदो रन बना रहे हैं। उसके बाद प्रियमल परेरा की बात करें तो प्रियमल परेरा भी अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस ना करी, दो मैच खेले, दोनों मैच में फ्लॉप हो गए। डेविड मिलर के जोड़ने के बाद इनका जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। बाकी दुनित विलालेज की बात करें ना तो दुनित विलालेज भी मतलब ठीक ठाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। थिसारा परेरा आप सबको पता है हमेशा बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके देते हैं, फिनिश अच्छा करके जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो इनकी बल्लेबाजी है ना वो भी 7-8 नंबर तक का है, जिसमें से 4-5 बल्लेबाज तो ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन रहमान उल्ला गुरबाज और प्रियमल परेरा ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा फ्लॉप हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा जाफना किंग्स को। बाकी अगर हम इनकी गेंदबाजी की बात करें तो भाई साहब इनकी जो गेंदबाजी है ना वो तो खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि दिलशान मधुसंघा कमाल के गेंदबाज है। पहले मैच में उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करी थी, विकेट चटकाए थे, किफायती रहते, हालांकि दूसरे मैच में ज्यादा स्कोर था नहीं इसलिए ज्यादा कुछ कर ना पाए। हरदुस बिलजोय ने भी पहले मैच में जब स्कोर ठीक ठाक था तो जबरदस्त गेंदबाजी करी, विकेट चटकाए। विजया कांत एंड विजयस कांत की बात करते इन्होंने दोनों मैचों में जबरदस्त गेंदबाजी करी और विकेट भी चटकाए। हालांकि महेश थिक्सड़ा की बात करें तो महेश थिक्सड़ा अभी तक किफायती हो रहे हैं, लेकिन दो मैच हो गए इनको विकेट ना मिला। तो महेश थिक्सड़ा का ये होता है कि किफायती तो हमेशा होते हैं, लेकिन जब विकेट चटकाते हैं ना तो झोली भर के चटकाते, तो अभी तक विकेट ना मिला। तो मे बी आज का मैच हो तो इनको विकेट मिल जाए। बाकी जरूरत पड़ने पर थिसारा परेरा आते हैं, ये भी बढ़िया गेंदबाजी करके चले जाते हैं। दुनित विलालेज की बात करें तो ये बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ ना बढ़िया गेंदबाजी भी करके देते हैं। तो मतलब जो इनकी गेंदबाजी लेना पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और इनके पास दो तीन ऑलराउंडर जो ये हैं और इनके पास दो तीन ऑलराउंडर ऐसे हैं जो एक आता गेंदबाज अगर फ्लॉप भी हो जाता है ना तो इनके ऑलराउंडर आते हैं बढ़िया गेंदबाजी करके उसकी भरपाई कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाफना किंग्स की बात करें ना तो इनकी भी जो टीम है काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त नज़र आ रही है, खास करके जो इनकी गेंदबाजी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही है। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के बिहार पर कंपेरिजन करें तो दामबुला ओरा ने अपने लास्ट के 6 मैच में 3 मैच जीता, 3 मैच हार गए, मतलब एक जीतते हैं एक हार जाते हैं। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 151 रनों का है, जिसे ना हम बहुत अच्छा कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.59 जो गेंदबाजी एवरेज होता है ना ये थोड़ा सा महंगा होता है, तभी तो एक जीत रहे हैं एक हार रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जाफना किंग्स की तो इन्होंने अपने लास्ट के 6 मैच में 4 मैच जीता, बस 2 मैच हारे, तो ये अभी भी चैंपियन की तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 167 रनों का है, जो कि बढ़िया होता है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.11 ये भी बढ़िया होता था। अगर हम यहाँ पे देखें चाहे रिजल्ट की बात कर लो, बल्लेबाजी एवरेज की बात कर लो या गेंदबाजी एवरेज की बात कर लो, हर जगह जो जाफना की टीम है ना वो दामबुला ओरा से बढ़िया नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले मैच में दामबुला ओरा ने जाफना को रौंदा, जो कॉन्फिडेंस है ना दामबुला का जाफना के बराबर तो आ ही गया होगा। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम ये जो मैच है उसे उड़ा के ले जाएगी, जीतेगी, चलो जानते हैं। लेकिन उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या है भाई साहब, कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करें तो मुझे ये जो मैच है ना वो थोड़ा सा बराबरी का नजर आ रहा है, 50 दामबुला ओरा एंड 50 जाफना किंग्स। लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना दामबुला ओरा अपने नाम पर कर सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जो फाइनल प्रेडिक्शन है टेलीग्राम पर मिलेगी। इसके अलावा और आपको ये भी पता है ना, लंका प्रीमियर लीग के अलावा द 100 मैन एंड वुमेन्स कंपटीशन भी चल रहा था, इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो जरूर ज्वाइन करें मेरा टेलीग्राम, बस एक चीज का ध्यान दें,
फेक से बचे, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और किसी से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।